अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पिछले मॉड्यूल में हमने सोशल इनोवेशन के हवाले से बात। सोशल इनोवेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो सोशल चेंज है, यानी मुआशरे में लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाना। ना सिर्फ तब्दीली लाना बल्कि एक पॉजिटिव चेंज लाना, वैल्यू ऐड करना, सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो डिफरेंट तरीके हैं इनोवेशन, रिमेंबर इनोवेशन की डेफिनेशन के किसी डिफरेंट तरीके से कोई आइडिया, कोई क्रिएशन, कोई क्रिएटिविटी या कोई इन्वेंशन जो है उसको डिफरेंटली करना। तो वो क्यों डिफरेंटली किया जाता है? सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो चीज़ों को डिफरेंटली क्यों करते हैं? ताकि वो लोगों की जिंदगियों में और माशरों में एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमने इस कोर्स में अभी तक जितनी केस स्टडीज़ डिस्कस की हैं उनसे डिमॉन्स्ट्रेट होता है कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली अक्रॉस द फील्ड्स ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने में कामयाब हुए हैं। ऐसे ऐसे लोगों तक, ऐसे इलाकों में हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंची हैं जहां कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि लोगों को बेसिक हेल्थ सर्विसेज भी मुयसर होंगी। ऐसे ग्रुप्स फॉर एग्जाम्पल जिनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। वो लोग जो बिल्कुल एक्सक्लूडेड, वल्नरेबल, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर थे, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। डिजास्टर्स में लोगों को फौरी रिलीफ मिला है। एनवायरनमेंट के हवाले से ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि लोगों ने पूरे पूरे जो डिफॉरेस्टेटेड एरियाज थे उनको दोबारा से ग्रीन कर दिया है। लोगों ने अपने एनवायरनमेंट में बाकायदा टेम्परेचर में कमी आई है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। और अब यूथ, चिल्ड्रन, वेमेन, ये वो लोग हैं, ये वो ग्रुप्स हैं। और कुछ दूसरे डिसएडवांटेज ग्रुप जिनमें एथनिकली, जेंडर वाइज या किसी भी और तरह से डिसएडवांटेज ग्रुप्स हो सकते हैं, उनकी जिंदगियां बदल गई हैं, उनमें पॉजिटिव चेंज आई है, वो मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं, उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं। और ये चेंजेस जो हैं इसका क्रेडिट सोशल एंटरप्रेन्योर्स को जाता है जो कि स्टेटस को चैलेंज करते हुए डिफरेंट इनोवेटिव तरीके इस्तेमाल करके वही सर्विसेज जो गवर्नमेंट्स और मार्केट्स प्रोवाइड नहीं कर सके वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ क्रॉस कटिंग थीम्स हैं जो सोशल एंटरप्रेन्योर के हवाले से, सोशल चेंज के हवाले से अब तक सामने आए। सबसे पहले उसमें एम्प्लॉयमेंट फॉर द एट रिस्क पॉपुलेशंस। एट रिस्क पॉपुलेशंस हमने पिछले किसी मॉड्यूल में बात की थी, वो लोग होते हैं जो अदरवाइज, जिनको मार्केट तक एक्सेस नहीं है, जिन्हें लेबर मार्केट में शामिल नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, ऐसे लोग जिनकी कोई डिसेबिलिटी हो। भाई जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है वो एक कंपटिटिव लेबरर चाहेगा जो उसको प्रॉफिट दिला सके अपनी स्किल्स के जरिए से। ये वो लोग हैं जो खुद रिस्क पर हैं, जिनकी स्किल्स पर शुबा किया जा सकता है, जिनको कोई भी अपने मेन स्ट्रीम बिजनेस में शामिल नहीं करना चाहता। उनके लिए गारंटीज चाहिए, उनके लिए पुलिस चेक्स चाहिए, उनके लिए स्पेशल एनवायरमेंट चाहिए। तो ऐसे लोगों को सोशल एंटरप्रेन्योर्स ने मेन स्ट्रीम जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट फ्राहम की है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उन्होंने क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो किसी वजह से उस डिसएडवांटेज में हैं। अदरवाइज उनके अंदर बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो उनकी उस सिचुएशन की वजह से हिडन होती हैं। अगर उनको बाकी लोगों की तरह अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, एक नॉर्मल लाइफ होती, तो वो जो स्किल्स हैं वो कहीं की कहीं उनको ले जाती। तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स इनोवेट करते हैं इस लिहाज से कि वो उनकी उन स्किल्स को पहचानते हैं और उनको वो अपॉर्चुनिटी फ्राहम करते हैं मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। दूसरा क्रॉस कटिंग थीम जो है वो इंफॉर्मेशन के हवाले से है। आप में से वो लोग जिनकी बिजनेस या इकोनॉमिक की बैकग्राउंड है, वो रेनाउंड इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्टिग्लिट्स के नाम और काम से वाकिफ होंगे। जोसेफ स्टिग्लिट्स को इस बात पर नोबेल प्राइज मिला था कि इंफॉर्मेशन जो है उसका की रोल है बिजनेस में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। जिसके पास पहले इंफॉर्मेशन आएगी उसको एडवांटेज होगा मार्केट कैप्चर करने के लिए।
तो इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स इंफॉर्मेशन अपने तक रखने की कोशिश करते हैं ताकि अपने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ सकें। सोशल एंटरप्रेन्योर्स इंफॉर्मेशन की एसिमेट्री को खत्म करने की, कम करने की कोशिश करते हैं। वो उन ग्रुप्स को इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं जो अदरवाइज एक्सक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रामीण बैंक और नॉर्वेजियन टेलेनॉर जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उन्होंने बांग्लादेश में इंफॉर्मेशन का एक नेटवर्क स्टार्ट किया है जिससे सोशल एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, डिसएडवांटेज ग्रुप्स लाइक वेमेन, उनको नेसेसरी इंफॉर्मेशन घर बैठे टेलीफोन के जरिए से मिलती है। एक तीसरा क्रॉस कटिंग थीम जो है वो सोशल कोहीजन है। उसकी एग्जांपल मैं अखुवत के जरिए से दूंगी कि जहां सब लोगों को भाई भाई या ब्रदरहुड या बराबरी का एक सबक है, जो कर्जा दे रहा है, जो कर्जा ले रहा है, दोनों जो हैं वो बराबर हैं। जब लोग बराबरी के लेवल पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो मुआशरे में एक दूसरे से कुर्बत बढ़ती है, एक जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो बढ़ता है और लोग जो हैं वो करीब आते हैं और मुआशरे में पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे आप ओवर आर्चिंग थीम कह सकते हैं, वो ये है कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम ऐसा होता है कि वो किसी खास एक चीज़ को परसू कर रहे हों, एक किस्म की सोशल चेंज ला रहे हों। उनका काम एक हो सकता है, वो किसी एक फील्ड में हो सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल मिशंस को परसू कर रहे होते हैं। उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, अवेयरनेस, लोगों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी, ओवरऑल माशरे में वेलबींग और इस तरह की दीगर चीज़ें जो हैं। सो इट्स बेसिकली अ मल्टी डायमेंशनल आइडिया। एक एक जब सोशल एंटरप्रेन्योर एक सर्विस देता है या एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराता है तो बेसिकली वो कई चीज़ें मुआशरे में जो हैं उनको बेहतर बनाता और ट्रांसफॉर्म करता है। थैंक यू।